डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दशकों पहले ये कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। धर्म का कार्य है अच्छा करें और उसकी स्तुति करें, राजनीति का काम है बुराई से लड़ें और उसकी निंदा करें। लेकिन हुआ क्या, ये जरा हालात आप देख लीजिए। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। नमस्कार, लोकतंत्र लेकर हाजिर हूं मैं आपका राजीव राय। आज बात लोकतंत्र के उस स्याह सच की जिससे आज तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो सका। आज बात धर्म के नाम पर हो रही सियासत की। कहते हैं सियासत में प्राथमिकताएं वक्त के अनुरूप उसके हिसाब से बदल जाया करती हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों देश की राजनीति में चुनावों से पहले दिख रहा है। 80 के दशक से जिस हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी जीतती रही, वही आज विरोधियों की ढाल बन गया है। विधानसभा की तर्ज पर कांग्रेस लोकसभा में भी नर्म हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार कर चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे, वहीं चुनाव घोषणा पत्र में भी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को पार्टी एहतियात के साथ उठाएगी। पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव काफी अहम है, इसलिए वो भाजपा को ध्रुवीकरण का कोई मौका नहीं देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को शामिल किया था। इनमें सच्चर समिति की सभी सिफारिशों को लागू करने के साथ साथ पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने का भी वादा किया था। मगर इस बार स्थिति वैसी नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अब पीछे हटने से काम नहीं बनेगा। तो कांग्रेस की भक्ति के मायने क्या है देखिए आप। 2019 में कांग्रेस नर्म हिंदुत्व की राह चली, बीजेपी के हिंदुत्व को कांग्रेस ने कैसे हाईजैक कर लिया ये पता करना होगा। बीजेपी को ध्रुवीकरण से रोकेगी कांग्रेस, क्योंकि हिंदुत्व एजेंडा कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। 2014 के बाद ही कांग्रेस को मिशन हिंदुत्व की प्राप्ति हुई, विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिला। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी को इस फैक्टर से नुकसान पहुंचा। सॉफ्ट हिंदुत्व तो क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है जिस पर वर्कआउट कांग्रेस के आला नेता और उनका पूरा जो थिंक टैंक है वो कर रहा है। तो कांग्रेस की भक्ति के मायने क्या हैं? आप देखिए, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक सच है इस दौर की राजनीति का। 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कैसे सिद्धांत बदले हैं, कैसे अपनी सहूलियतों के अनुकूल रहकर राजनीति करने का एक कला उसकी अर्जित की गई है, उसकी ये वानगी भर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने करीब 28 मंदिरों में जाकर मत्था टेका। प्रचार के दौरान राहुल ने खुद को शिव भक्त भी बताया था। पार्टी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, पार्टी को इसका सियासी फायदा भी मिला। इससे पहले हिंदुत्व भाजपा का एक ऐसा हथियार था जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। पिछले 3 दशक से किसी बड़े कांग्रेस नेता ने अयोध्या में रोड शो या फिर मंदिरों के दर्शन का ऐसा प्लान नहीं बनाया। गुजरात चुनाव में राहुल 28 मंदिरों में पहुंचे, एमपी, कर्नाटक और राजस्थान में भी भगवा इफेक्ट दिखा। कांग्रेस ने राहुल को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया और उसको पूरी शिद्दत से प्रचारित भी किया। राहुल ने भी खुद को रुद्राक्ष वाला शिव भक्त बताया और इन तमाम मुद्दों पर बड़ी गर्मजोशी से इस पर बयानबाजियां हुई। प्रियंका गांधी अब वो इस मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी काशी, मिर्जापुर के बाद अब अयोध्या पहुंची हैं।
तो मिशन हिंदुत्व में कांग्रेस जुट चुकी है। राहुल ने भी अपने आप को शिवभक्त कई मौकों पर बताया जताया और जाहिर भी किया। इसको लेकर राजनीति में बड़ा बवाल भी मचा किया और ये भी कहा गया कि क्या राम या फिर हिंदुत्व किसी की जागीर है? क्या इस देश में हर किसी को समान अधिकार है? कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मौजूदा राजनीति के दौर में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। राम के सहारे सत्ता के सिंहासन पर पहुंची बीजेपी शायद 80 के दशक के भगवा करिश्मे को अंडर एस्टिमेट कर गई। शायद इसीलिए अकलियतों अल्पसंख्यकों की हिमायती रही कांग्रेस आज बीजेपी की जमीन पर खड़ी होकर उससे दो दो हाथ करने की ताकत रख रही है। आइए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कांग्रेस का एक और चेहरा जो आज बदल चुका है। कैसे, ये आप समझिए। आ गया कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारू धारी हिंदू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है। दैट माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी आर एम्पावर्ड टू शेयर इक्विटेबली इन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। जी हाँ, तो वंस अपॉन अ टाइम इन कांग्रेस ये स्थितियां भी रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अयोध्या मुद्दे के जरिए देश भर में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में सफल रही। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और पार्टी के बनने के बाद ही उसने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। 1989 में बीजेपी ने पलमपुर अधिवेशन में राम मंदिर आंदोलन को धार देने का फैसला किया। बीजेपी 1989 के लोकसभा चुनाव में दो सीट से आगे बढ़कर 85 पर पहुंच गई। राम मंदिर के सियासी फायदे को देखते हुए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचा दिया। यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें इसी यात्रा के बाद बनी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते एक बार भी अयोध्या नहीं पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। हिंदुत्व तो बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, इसको आप समझिए, क्योंकि बीजेपी को अयोध्या से ही सियासी आधार मिला। 1980 में बीजेपी के गठन से ही राम मंदिर का मुद्दा उठा और उसके बाद 1989 में पलमपुर अधिवेशन में राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया। 1989 में लोकसभा में 2 से 85 सीटों पर पहुंची बीजेपी और इसके बाद क्या हुआ, जीत से गदगद आडवाणी ने अयोध्या रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से। रथ यात्रा ने बीजेपी को सत्ता की दहलीज पर पहुंचाया और उसका नतीजा ये रहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे सूबों में बीजेपी की सरकारें बनी। लेकिन सवाल वही है कि 5 साल में मोदी क्यों नहीं पहुंचे अयोध्या? राम मंदिर पर फैसला न होने से क्या संत समाज खफा है? विकास की राह पर निकले मोदी क्या हिंदुत्व से कट गए? ये तमाम सवाल आज सियासी फिजा में तैर रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं वो फॉलो भी कर रही हैं उसे अच्छे से। तो हिंदुत्व बीजेपी के लिए जरूरी तो है, आज से नहीं उसके जन्म से जरूरी रहा है, क्योंकि जब आप अपनी जड़ों से कटते हैं, अपने आधार को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्थितियां आपके लिए भी बदल जाती हैं। जन समर्थन जो आपका है, जो आपका कोर वोटर है, जो आपके आपकी सोच से, आपकी विचारधारा और सैद्धांतिक जो आपकी सोच है उससे जुड़ा हुआ है, अगर उसे कहीं ये लगता है कि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी भविष्य में तो वो खफा होता है और उसका असर ये होता है कि
नुकसान उठाना पड़ता है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विकास का जो मॉडल लेकर आगे बढ़े हैं, वो अब रैलियों में जाते हैं तो जिक्र विरोधियों को लेकर भी होता है, जिक्र अपनी उपलब्धियों को लेकर भी प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं। और इसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर कैसे आए हैं और उसके बाद परिस्थितियां क्या बनी हैं, उनसे दो दो हाथ करने वाले दलों को लेकर आपस में वो लगातार आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे दलों में विपक्ष टूट रहा है। और उसके बाद अब मोदी का सामना करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए 2019 के रण में अपनी रणनीतियों पर सभी दल काम कर रहे हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी एक दौर में रही, एक बहुत बड़ा संगठन उसका है, लेकिन वैचारिक तौर पर जो कुछ दुविधाएं रही हैं उसका नतीजा आज कांग्रेस भुगत रही है। तो इन परतों को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में मुद्दे कभी दफन नहीं किए जाते हैं, ताकि वक्त आने पर वो बोलें। तो आज क्या बोलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, वो हम आपको दिखाएंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि सभी दलों की तरफ से उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है, वो निकलकर सामने आए। लखनऊ चलेंगे हम, और लखनऊ में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे समझने की कोशिश की जाएगी कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मसला है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जब मिर्ज़ापुर पहुंची थी प्रियंका गांधी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश बढ़ गया। ये देखिए राहुल गांधी हैं और उनके साथ ज्योतिरादित्य भी हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है पिछले चुनाव की, कमलनाथ साहब को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो अब मुख्यमंत्री हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब इसकी तैयारियाँ चल रही थी और मंदिर मंदिर दर्शन भी किए, और वही स्थितियां देखिए आज भी हैं 2019 को लेकर। जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, उसने अपने स्तर पर एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसको पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर। आज पहुंची थी अयोध्या, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अचानक से ये सब कुछ हुआ है, कांग्रेस ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरे घटनाक्रम के क्रमवार जो स्टेटस रहा है कांग्रेस का वो बता रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हालात कैसे अच्छे बने कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में, वो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि ये आकलन किया जाता रहा कि कौन कौन सी वो वजहें रहीं जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पर हारी, क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था या फिर वहाँ के आम लोगों की नाराज़गी सरकार के प्रति रही। लेकिन ये इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने जिस तरह से ज़मीन पर उतरकर मेहनत की, उसका नतीजा उनके सामने रहा, जनादेश उन्हें वहाँ पर मिला। लेकिन अब लड़ाई और बड़ी है और आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब राज्यों का चुनाव नहीं है, अब देश का चुनाव है। वो देश जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 5 साल का अपना पहला कार्यकाल वो पूरा करके अब दूसरे चुनावों में उतर चुके हैं और जगह जगह पर वो रैलियां भी कर रहे हैं। तो हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर कहा जाए तो फायदेमंद रहा है। 2014 के बाद से ही इस पूरे मिशन पर काम करने में जुटे थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि बड़ी मेहनत मशक्कत उन्होंने की है अपने आधार को मजबूत करने के लिए देश भर में। तो 2019 में कांग्रेस की जो रणनीति है, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा है इसमें, और उसकी क्या भूमिका होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब लोग, ये राजनीतिक पंडित जो हैं वो एक कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से पहले प्रयागराज से उन्होंने बोट यात्रा शुरू की, काशी गईं, काशी के बाद अपने भाई के संसदीय क्षेत्र पहुंची, और उसके बाद देखिए अब ये दूसरा चरण जो है उनके यात्रा का, उसमें वो अयोध्या पहुंची और यहाँ पर भी ज़बरदस्त हुजूम था उनको मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में, और उनके आने के बाद ज़बरदस्त जोश का भी जो इजाफा हुआ है कार्यकर्ताओं में, निश्चित तौर पर उनका भी मनोबल बढ़ेगा।
क्योंकि यही उम्मीद कांग्रेस संगठन के जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ता हैं उनकी रही है अपेक्षा कि दिल्ली से जो लोग बैठकर राजनीति करते हैं उनको जमीन पर भी उतरना चाहिए और जो मूल्यांकन है वास्तविकता का, जो आधार है कांग्रेस का जमीन पर, उसको थोड़ा सा देखें और फिर उस स्तर पर अपनी तैयारियों को अमल में लाया जाए उस मजबूती के साथ, तो निश्चित तौर पर यह फलदायी होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो चेहरा है, हमने आपको ये भी बताया था और आजकल इसकी चर्चा भी हो रही है सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच, कि प्रियंका गांधी के चेहरे में जो करिश्मा है उसका असर निश्चित तौर पर होगा और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहां की वो प्रभारी बनाई गई हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वहां पर उनका करिश्मा चलेगा और पार्टी की स्थिति को निश्चित तौर पर प्रियंका मजबूत कर पाएंगी। दूसरी तरफ महागठबंधन से उत्तर प्रदेश में कट जाने के बाद कांग्रेस के लिए चुनौतियां और बढ़ी हैं। हालांकि पुराने सहयोगी समाजवादी पार्टी की रही है कांग्रेस, 2017 के चुनावों में भी कांग्रेस के साथ थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब हालात अलग हैं और उस हिसाब से फैसले भी लिए गए हैं। तो बीजेपी के हिंदुत्व को क्या कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। 2019 में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व, जिसको नर्म हिंदुत्व कहा जा रहा है, क्योंकि हमने आपको कुछ बयान भी दिखाए कांग्रेसी नेताओं के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह उस दौर में, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। तो तमाम सवाल हैं कि आज ये परिस्थिति क्यों बदली है, तासीर कांग्रेस की क्यों बदल रही है, मंतव्य क्या है। अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं हम। हमारे साथ खास मेहमान लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आपका तारुफ सबसे पहले करा दें। ये देखिए हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सचिन रावत जी हैं हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सचिन रावत जी, आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस आधार पर 80 के दशक से बीजेपी सवार होकर आगे बढ़ती रही, उसको उस जमीन को आपने अचानक से अपनी तरफ मोड़ लिया, क्या आपको लगता है कि आपने हाईजैक कर लिया है बीजेपी से हिंदुत्व का मसला? देखिए राजीव जी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का मानना और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा विज़न है वो पूरा स्पष्ट है। तो हमारा विज़न सबसे पहले गरीब, किसान, वंचित और शोषित समाज को आगे बढ़ाने का है। उसके बाद में हमारा विज़न और जो लोग हैं, जैसे बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, महिला सशक्तिकरण का वो विज़न हमारा स्पष्ट है। हमारा कोई हिंदुत्व और कोई ये प्रोपेगेंडा टाइप की जो भी चीजें होती उसका विजन नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा राजीव जी, जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने तीन राज्यों में उन जनहित के मुद्दे को उठाया, जिन जनहित के मुद्दों को मोदी सरकार ने पूरी तरीके जुमलेबाज साबित कर दी थी, तो कहीं ना कहीं उन जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो जनता की आवाज निकली, वही 2019 की तस्वीर स्पष्ट करके दिखाएगी आपको। नहीं सचिन भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कौन से उन मुद्दों को छुआ है, आपके जो अध्यक्ष हैं प्रियंका जी हैं, ये जगह जगह मंदिरों में जाकर 2017 से अब तक जगह जगह जाकर दर्शन कर रहे हैं, इनमें से जो मुद्दे आपने गिनाए उनको लेकर कितने लोगों से मिले राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? फोन उठा के ऊपर रखो। देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है राजीव जी। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सारे धर्मों को मानते हैं, तो हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। और जहां तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी,
मोदी जी की जुमलों के सामने अगर कोई भारत देश में इकलौता सच्चाई के साथ में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी। और जहां तक हमारी जो कार्यशैली, हमारा जो विजन है वो पूरा स्पष्ट है। और हमारा विजन इस बार 2019 की सरकार बनने के बाद में जो गरीब, शोषित, वंचित तबके हैं उनको हम लोग न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना देने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति स्पष्ट है। मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों, मित्रों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों की सुत तक नहीं ली थी। इनके शासनकाल में 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आप तो राजीव जी दिल्ली में रहते हैं, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे, और जो यूपी से, उत्तराखंड से, बिहार से जो किसानों ने कूच किया था, 2 अक्टूबर को इनकी निरंकुश सरकार ने उन पर लाठी चार्ज काम करवाने का काम किया था। जंतर मंतर पे दक्षिण के किसान आंदोलन को मजबूर थे, तब इनका एक मंत्री नहीं गया था। देखिए, देखने उनकी सोच लेने दूसरी दिशा में जा रहे हैं सचिन भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 72,000 रुपए साल में देने का जो आप बात कर रहे हैं न्याय योजना की, उसको तो देश के तमाम अर्थशास्त्री नकार चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि असंभव सी बात है देश के मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए। या आप इतने ऐसे सपने क्यों दिखा रहे हैं जो पूरे नहीं हो सकते? और ये पैसों की मदद करके जो ये आप बैसाखी पकड़ाना चाह रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कि आप देश को अपंग बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर के जाता हूं। 1952 और 1953 में हमारे देश में गरीबी 80% थी, और 2014 आते आते ये हमारी गरीबी घट करके 20% रह गई। और हम लोग इस 20% की जो गरीबी है किसानों की, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, हम उनको प्रथम श्रेणी में लाने के लिए इस योजना के माध्यम से उनको शुल्क देने जा रहे हैं। जैसे हमने 2009 के समय यूपीए 2 के शासनकाल में 72,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्जा माफी की थी, हम लोग अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसी बजट से हम लोग उन किसानों को जो सामने अलग है, तो थोड़े से रास्ते भी अलग बनाने पड़ेंगे। मनोज तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही क्या मेरी? क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी 3.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं, तब खजाने पे कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसानों का मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है जिस तरह से मंदिर द्वारे द्वारे मत्था टेक रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उससे आपका खेल खराब होगा? मनोज यादव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? नहीं राजीव जी, हम लोग सारे धर्मों को मानते हैं, और कोई ये नहीं कि कोई हिंदुत्व के ठेकेदार भाजपा नहीं है, हिंदुत्व के ठेकेदार पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं मंदिर जाता हूं, मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं कराता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं कराता हूं। लेकिन अगर हम मंदिर जाते हैं, अगर हम पूजा करते हैं, तो इसमें कोई हिंदुत्व की बात नहीं होती, क्योंकि हमारा धर्म है। सनातन धर्म में सबसे पहले अनिवार्य होता है पूजा करना। मैं भी पूजा करता हूं, तो मैं कोई प्रोपगंडा नहीं इन लोगों तरीके फैलाता हूं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर प्रोपगंडा आप नहीं फैलाते हैं, तो इतनी तेजी से अचानक चुनावों से पहले मंदिर क्यों याद आते हैं? सवाल तो वही है ना सचिन जी। मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? मनोज तिवारी जी, मनोज यादव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मनोज तिवारी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, सचिन रावत प्रवक्ता है आईएनसी के, कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मंदिर ये जो दर्शन की प्रथा चली है अचानक तेजी से,
इसने आपको डैमेज किया है हाल के विधानसभा चुनावों में, आपको लगता नहीं कि ये चुनौती है 2019 में? देखिए राजीव जी, आपने सवाल अच्छा किया, जैसे भाई ने अभी कहा सचिन जी ने, आज शुक्रवार का दिन है और इनको इलेक्शन में ही मंदिर और सभी धर्म को मानते हैं, लेकिन आज से पहले कभी आप देखिए चुनाव के पहले, कभी 6 महीने के पहले भारतीय नववर्ष बीत गया, साल भर होने वाले अप्रैल कभी नहीं मनाएंगे, रामनवमी कभी नहीं मनाएंगे, अष्टमी चल रही है कोई त्योहार नहीं करेंगे, उस पर कोई बधाई नहीं आई, आज अष्टमी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राजनेता, केंद्रीय नेता, अगर वो कहीं भी अगर संगठन के तौर तरीके से भी कहीं जाते हैं तो सबसे प्रथम उनका होता है या तो भारत माता जी से या दीपदान करके किसी भी मंच पे देख लीजिए, उसके बाद तीर्थ स्थल पे अवश्य जाते हैं। वास्तविक में तो इनको आवश्यकता है ही है कि ईश्वर का आशीर्वाद लें, अगर नहीं लेंगे तो उनकी तो आवश्यकता, क्योंकि बुद्धिमता तो आनी चाहिए कम से कम। और मेरा एक अपना मानना है, बड़े बुजुर्गों का भी मानना है, कि अनुभव के आधार पे ही योग्यता का संचार होता है। अब इनको इस समय आवश्यकता है लेकिन फिर भी सही स्थान पे पहुंचे, चलो अयोध्या पहुंच गए कम से कम, राम लला के दर्शन बाद में कर लेंगे, हो सकता मन में इच्छा रही हो कि मंदिर जाएंगे तो कुछ ऐसा ना हो कि मुझे उसकी जवाब दे ही देनी पड़ जाए। 1980 के दशक से इसमें कोई बुराई नहीं है भाई ने जो बात कही, इनको आवश्यकता है। अचानक आपका एजेंडा बदला और विकास का मॉडल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 2014 से पहले, आप लोगों को कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं हो गया है कि आपका कॉपीराइट है राम पर, उस पर और कोई काम नहीं कर सकता? देखिए राम मंदिर का मुद्दा और राम का नाम हमेशा हमारे सदैव नाम के जवान पे रहता हम लोगों के, हमारा चाहे वो जमीनी कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, आप कभी भी देखिए आपके मीडिया में भी, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे धरना मैं देता हूँ, हमारी सरकार रही हो ना रही हो, अपनी सरकार में भी हम लोग उद्बोधन जब करते हैं तो जय श्री राम के ही नाम से करते हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम मौके पे जाएं। नहीं, दिक्कत यही है, त्योहार पे हम नहीं जाते हैं या राजनीति नहीं करते राम के नाम पे, करना होगा, काम नहीं करेंगे तो खेल तो बिगड़ जाएगा ना। मनोज यादव जी, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी वजह रही है कि बीजेपी से उनका कोर वोटर कट रहा है? देखिए, एक बात तो हम लोगों को जरूर डिबेट में लानी चाहिए और वो ये है कि जब 2014 का चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त इस देश में सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा था, वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बाद अन्य मुद्दों पे बात मोदी जी ने की थी, फिर चाहे वो देश की सीमाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे महंगाई हो और चाहे आतंकवादी तमाम हमले हो, सब पे मोदी जी ने बात कही थी। हिंदुत्व की बात उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह प्रोपोगंडा नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त अन्ना के आंदोलन के बाद हिंदुत्व की बात कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हो रही थी बस, और देश को एक डेवलपमेंट के साथ नए डेवलपमेंट की बात कही गई थी जिसको नाम दिया गया था गुजरात मॉडल। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि 5 साल पढ़ाई करने के बाद, यानी कि इम्प्लीमेंट गुजरात मॉडल का इस देश के हर कोने में करने के बाद, आज इस देश के पीएम साहब को ना तो गुजरात मॉडल का गा याद आता है और ना मॉडल का माँ याद आता है। उनको याद क्या आ रहा है? पासे पाकिस्तान और इस देश के सैनिकों के द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कामों को भुनाने की और दूसरों को महामिलावटी कहने की। खुद अलग बात है कि गंगा के रूप में जो नाला होता है, नाले से भी बदतर उसमें मिलावटी रूप गठबंधन में हो, चाहे शिवसेना इनको चोर कह चुकी हो, इसी गठबंधन में उसने चोर कह दिया, वो सब पाक साफ है। महबूबा मुफ्ती भी पाक साफ है
और वही नीतीश कुमार जिन्होंने डीएनए और किस किस पे बात की थी वो भी पाक साफ है। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर करने में विश्वास नहीं रखता राजीव जी कि ये इनका अपना विषय है, लेकिन देश पूछना चाह रहा है क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो साहब आप बताइए कि आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा मांगा था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्या 100% अधिकारियों ने ब्यौरा दे दिया? अगर दे दिया तो योगी आदित्यनाथ उस ब्यौरे को सामने रखें। मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20% अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, 80% ने अभी भी नहीं दिया। तो कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हो? गाय, गोबर, गंगा, इसी पे तो चुनाव लड़ रहे थे। गाय की दुर्दशा करने वाले कौन हो? आप हो। आज गाय किस तरह पूरे प्रदेश देश में किस तरह उनकी दुर्गत हो रही है सबसे पता है। गंगा को आपने दूसरी नदियों का पानी छोड़ के अभी कुंभ में तो आप अपनी तालियां पीट रहे हो। ये सारे विषय है नहीं जो विषय आज मोदी जी कह रहे हैं। दूसरों को गाली देना और खुद के व्यक्ति की जांच न कराना, दूसरों को भ्रष्टाचारी कहना, अमित शाह के पुत्र की जांच न कराना, डोभाल आप दूसरों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाओ और खुद पाकिस्तान से अडानी की बिजली का पैसा हजम करो, देश को चीनी खिलाओ, अजीत डोभाल के बेटे का बिजनेस सेट कराओ और दूसरे को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो, यही वो है काम नहीं चलेगा। असली शशांक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशांक भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई बीजेपी जो है वो विकास की जो रफ्तार रही है, उसकी विकास की आंधी रही है, उसमें वो खुद ही गुम हो गई है क्या और अपनी राह से भटक गई है? देखिए, कहीं ना कहीं राजीव जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का नारा दिया था, हिंदुत्व की बात की थी और शुरुआत से राम मंदिर को कैश कराने के लिए बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थी, जिसको लेकर के अटल जी भी सरकार लाए थे, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार लाए, लेकिन जो जनता का विश्वास और जिस तरह से उन्होंने वोट दिया था, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। जिस तरह से राम मंदिर की बात करें राजीव जी, जनता का आस्था का विषय राम मंदिर था, हिंदुओं की आस्था का विषय राम मंदिर था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राम मंदिर मामले पर कानून और विधेयक लाने की जब बात हुई तो भाजपा बैकफुट हो गई। कहीं ना कहीं ये कारण स्पष्ट है कि साफ तौर पे जो हिंदुत्व का प्रेम था, जो हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी हमेशा खेलने आई थी, अब वो कार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में चला गया, जिसको लेकर के पिछली बार अगर गुजरात चुनाव की बात कर ले, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मंदिर जाने पर फायदा मिला, जिसके बाद में अब प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, प्रदेश प्रभारी बनाया गया, और अयोध्या की अगर बात कर ले, दो दिन में लगातार प्रियंका वाड्रा भी मंदिरों में जा रही है, सब चीजें कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह फेलियर अपना साबित किया है, हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिए लेकिन काम नहीं किया, यही बात निकल के सामने आ रही, तो उसका पूरी तरीके से फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही, जिसको ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब राम भरोसे है और कांग्रेस भी उसी पे अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, जिसका सीधा प्रमाण इस तरह से देखने को मिल रहा है कि पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका वाड्रा साफ तौर पे मंदिरों पे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब चुनाव 2019 की बात करें लोकसभा चुनाव को, इसमें साफ तौर पे ये बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाला ये बात ये होगी कि अब ये क्या आगे इनको हिंदुत्व की बात जो कर रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, क्या इसका इनको फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा सा होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं जो बीजेपी और हिंदुत्व की बात करते थे हिंदू, जो उनके वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। मंदिर न बन पाना एक बड़ा विषय है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो हिंदुत्व वोटर है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा राजीव जी। निश्चित तौर पर, क्योंकि कई स्तर पर डिवाइड हो रही है चुनौतियां बीजेपी की, चाहे उत्तर प्रदेश में कह लें या फिर दूसरे राज्यों में या पूरे देश के आप मानचित्र पर आप देखिए तो अलग अलग जगह अलग अलग खांचे बन रहे हैं, कहीं छोटे छोटे दलों के खांचे बन रहे हैं चुनौतियों के रूप में, कहीं अलग अलग मुद्दे बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बीजेपी का अपना हथियार रहा हमेशा से, हिंदुत्व की बात, भगवा की बात, और सबसे बड़ी बात ये थी कि राम मंदिर का जो अलग जगाई 1980 में बीजेपी ने, उसकी उम्मीद अभी कायम थी, लेकिन इस बार शायद 5 साल पूरे हो जाने के बाद एक नाउम्मीदी सी है कुछ लोगों के मन में। मनोज तिवारी जी से इसका हम जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
गए भगवा रंग रंग भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग ये आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक। आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र, राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइव पर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पता नहीं स्टाफ मुझे पसंद करेगा कि नहीं। तुम उनका ख्याल रखोगे ना राहुल, तो वो तुम्हारा और कंपनी का ख्याल रखेंगे। Here's a good way to show you care. LIC's Pension and Group Scheme. Pension, gratuity और retirement benefits आसानी से मैनेज करता है। मतलब employees खुश तो कंपनी भी खुश। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज। हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। मनुष्य का जीवन कठिन है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, जय श्री।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात हो रही है मजहब की सियासत को लेकर या सियासत के मजहब को, बात एक ही है। यही सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तैयारियां लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर परवान पर हैं। प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में और वो उसे निभा रही हैं, लेकिन सवाल तब खड़े हुए, राजनीतिक पंडित तमाम तरह की बातें करने लगे जब वो शीतला धाम पहुंची, मिर्ज़ापुर में वो गईं, वहाँ पर माता के दर्शन उन्होंने किए और फिर अयोध्या का रास्ता उन्होंने पकड़ा। ये सब कुछ क्या इशारा कर रहा है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ आपको लिए चलते हैं। लखनऊ में हमारा खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच की एक लकीर है शायद, जिसे प्रियंका गांधी इन दिनों खींचने में जुटी हुई उत्तर प्रदेश में, आपको लगता नहीं कि इस लकीर के उस पार आप चले जाएंगे और इस पार आपका जनाधार, अगर ये सब कुछ सही रहा तो? मनोज तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है। किससे सवाल है? शशांक जी, शायद अभी कुछ आवाज़ पहुंचने में दिक्कत हो रही है। मैं यही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, क्या जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर प्रियंका गांधी का ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है, पहले बोट यात्रा, फिर वोट यात्रा और अब मंदिर यात्रा, आपको लगता नहीं कि इससे थोड़ा बहुत फर्क तो ज़रूर पड़ेगा बीजेपी को, जिसको शायद वो हल्के में ले रही है? निश्चित तौर पे कहना गलत नहीं होगा राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया और सवाल, पूरा प्रदेश, पूरा देश एक साथ एक चीज देख रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस, पहले जो कांग्रेस में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं, जिस तरह से गुजरात चुनाव हुए हैं, उसके बाद में राहुल की राह पर प्रियंका वाड्रा है। साफ तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास हो गया कि शायद अगर वो हिंदुत्व की बात करती, अगर वो मंदिर की बात करती, अगर वो मंदिरों में जाने की बात करती, हिंदू का कार्ड अगर वो खेलते तो शायद वो सत्ता के सिंहासन से इतनी दूर ना होते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अपनी सियासी जमीन को खोज पाना बड़ा मुश्किल काम था, जिसकी शुरुआत शायद प्रियंका वाड्रा ने अब कर दी है। सियासी जमीन के तलाश में कांग्रेस ने पिछली बार भी अपनी जोर आजमाइश की, इस बार फिर से की है। पिछली बार यानी अगर बात करें, समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो किया लेकिन उसका कोई खासा इफेक्ट नहीं मिला, लेकिन गुजरात चुनाव में तीन प्रदेशों में साफ तौर से जीत ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। और शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा राजीव जी, ये कांग्रेसियों को यह एहसास भी करा दिया कि अब राम के भरोसे, हिंदुत्व के भरोसे उत्तर प्रदेश में या देश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ला सकती है और वायदे करती है, भले ही वो उसे पूरे ना करे, तो कहीं ना कहीं शायद अब हिंदुत्व का कार्ड खेल करके और मंदिरों की बात करके, और यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी अपना जो उसकी खोई राजनीतिक के पृष्ठभूमि है उस पर जैसे कमल खिला है, फिर से एक बार जो उनका चुनाव निशान है वो फिर से आ जाए। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनकी जो सीटों में बढ़ोतरी होने की बात है उसमें भी कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप उनको फायदा मिलेगा, जिसकी सियासत साफ तौर पे यानी कांग्रेस कर रही है। अब ये भी कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा मंदिरों में जा रही है उनको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो उम्मीदें 2014 में की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से संकल्प पत्र में जो उन्होंने वायदे किए थे कि मंदिर वही बनाएंगे, पहले ये तक तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि वो सत्ता से बाहर थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद में हिंदुत्व की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, साफ तौर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी समझ करके वो अपना क्या नाम है कि वोट पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार आई तो सबको ये उम्मीद ये अलग जागी थी कि शायद इस बार मंदिर बन जाएगा, शायद जो हिंदुओं के लिए बात कही गई है वो हो जाएगी, लेकिन ये सब नहीं हुआ, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा राजीव जी, और इसी की राह पर अब कांग्रेस है। और कांग्रेस का निश्चित तौर पर हमें जो लगता है, जिस तरह से हम लोगों के एनालिसिस है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को इसका फायदा मिलता नजर आएगा। अगर बीजेपी ने अभी भी डैमेज कंट्रोल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी जो वायदे कर रही है उसकी उसको ग्राउंड पे लाने की आवश्यकता है। साफ तौर पे हिंदुत्व की अगर बात करते हैं, हिंदू नेताओं की बात करते हैं, गाय गंगा गोमती की बात करते हैं, और जिसको लेकर के सरकार इन्होंने बनाई थी उस पे इनको इम्प्लीमेंट की जरूरत है, काम की जरूरत है। ये भी है ना, ताकि 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने विकास का मॉडल सामने रखा देश की जनता के सामने, गुजरात वाला,
वहां पर धर्म कहीं पीछे छूट गया, भगवा कहीं पीछे छूट गया, वो भी इस द्वंद्व में है कि क्या वापस इस ट्रैक पर वो कैसे आएंगे, क्योंकि अब एक वक्त आपने कहा कि धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर विकास की राजनीति, सबका साथ सबका विकास, तो अब सबका साथ सबका विकास वाला जो ट्रेंड कांग्रेस का एक दौर में रहा वो उस पर अब बीजेपी आ चुकी है, तो बीजेपी अब किस ट्रैक पर लौटे उसके सामने चुनौती ये भी है। मनोज यादव जी, आपको क्या लगता है कि 2014 के पहले की सियासत का जो ट्रेंड था उसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, उसमें करप्शन की बात हो रही थी, वहां पर कहीं धर्म मजहब नहीं था, हालांकि संकल्प पत्र में जगह मिली थी राम मंदिर के मुद्दे को, लेकिन अब की जो सियासत है उसमें बीजेपी को वापस लौट पाना क्या मुश्किल नहीं होगा? देखिए, आपकी आवाज़ मुझ तक बहुत बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही, लेकिन मैं जितना सुन पा रहा हूँ उस पर एक बात मैं राजीव जी कह सकता हूँ, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में अगर हम 7वीं सदी की या हमने जो अपने सिलेबस में पढ़ा है कि एक भक्तिकाल का समय था, भक्तिकाल के बाद फिर वो धीरे धीरे फिर मध्यकाल आया, फिर आधुनिक काल आया, तो कई काल बीत चुके हैं। हम अगर धार्मिकता को सामने ला के राजनीति की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, क्या हमारे देश में पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था? हिंदू मुसलमान होता था जब देश में संविधान नहीं था, तब भी मेरे ख्याल से इस तरह की तमाम बातें सामने आती थी। मुगलों का शासन लगातार इस देश पे रहा, तब भी हिंदू और मुसलमान इस देश में रहते थे। इन सबको खत्म करने के लिए और आजादी के बाद हमारा संविधान इसीलिए बना कि हम देश को विश्व पटल में जो हमसे आगे है देश उनके हिसाब से चलने की बात करेंगे। लेकिन आज बीजेपी के लोग किसकी बातें करते हैं? इंसान को छोटा कर दिया और गाय को बड़ा कर दिया। मैं कोई गाय को अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैं भी यदुवंशी हूं, हमारा तो काम ही वही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इंसान को मार दिया जाए गाय के नाम पे, गौवंश के नाम पे, तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में वो शायद मिरेकल सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, कहीं और नहीं। और हमारा जो डेवलपमेंट का पैमाना है आप लोगों के पास गाय से ऊपर बढ़ के भी कुछ मुद्दे होने चाहिए क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का सिर्फ चश्मे से आप अगर देखेंगे 19 को तो बात नहीं बनेगी आप लोग महागठबंधन में हैं अलग अलग खांचों में टूट चुके हैं लेकिन आप लोगों का एक संगठित मुद्दा होना चाहिए बड़ा मुद्दा जिस पर आप घेर सकें। देखिए राजीव जी, हम लोगों के पास मुद्दे बहुत हैं, जवाब किससे लें? राजीव राय जवाब नहीं देंगे मेरे मुद्दों का। राजीव राय उन मुद्दों के जिम्मेदार नहीं है जवाब के। राजीव राय को और आपके शशांक श्रीवास्तव को जनता ने मोहर लगा के सत्ता के गलियारे में नहीं बैठाला है, बैठाला है भाजपा को, और भाजपा को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि आपने जो अपने प्रॉमिसेस किए थे, मैं कहता हूं 15 लाख जुमला था, आई एक्सेप्टेड। इसके बाद वाली बात पे आ जाओ साहब, आपने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार रहित कर देंगे, काला धन लेके आएंगे, काला धन आएगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। आपने कहा था कि हम तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, पूरे नहीं किए। जनता से आपके संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे 2017 के पहले वाले चुनाव में, आप भी तो वादे पूरे नहीं कर पाए इसलिए चले गए। बीजेपी वादे पूरे नहीं करेगी तो वो भी जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप हमसे जवाब नहीं ले सकते, लेकिन आप जनता आपको जवाब देगी, जनता बीजेपी को भी जवाब देगी वक्त आने पर। मैं इस पे एक सवाल पूछता हूँ, रुक जाइए, मेरा सवाल है आपसे, क्या राजीव जी आप नारा कोई दे सकता है कि अब की बार गांधी की सरकार, अब की बार राय की सरकार, अब की बार यादव की सरकार, अब की बार श्रीवास्तव की सरकार? नारा नहीं दिया जा सकता, लेकिन नारा बीजेपी ने दिया और भगौड़े कौन निकले, डकैत कौन निकले? मोदी जी निकल आए डकैत। ये है इस देश का चरित्र, जिस संविधान के विरोध में संविधान को खत्म करने की साजिश। मुद्दे दिया था उत्तर प्रदेश में कि काम बोलता है, लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं किया जनता ने, तो क्या करेंगे? जनता की तो एक अलग सोच है विकसित, उनको तो ये है कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो सरकारें उनको पूरा नहीं करेंगी वो बाध्य नहीं है उनको कंटिन्यू कराने के लिए, तो उसमें कोई द्वंद की स्थिति नहीं है। मनोज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज तिवारी जी बोलिए। और बात करते हैं न्यू इंडिया, बोलिए मनोज तिवारी जी। राजीव जी, मैं कहना चाह रहा हूं मनोज यादव जी ने
जो सपा सरकार में हमारे भाई अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, अपना 14 में अपना दीजिए, मेरा मत दीजिए, हम हार गए चुनाव। आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए, 5 साल मोदी का, 2 साल योगी का, आपकी सरकार में। वी डोंट डिस्कस अबाउट समाजवादी पार्टी 2012 to 2017 गवर्नमेंट। 2 साल में आप योगी सरकार जो मांग रहे हैं, आपको 5 साल तो काम करने दीजिए, उसके बाद मांगिए, आपका हक है। चलो बहुत कुछ है हमारे पास, समय आने तो बताएंगे। देखिए डबल इंजन है, डबल इंजन सरकार अगर स्टार्टेड है तो बड़ा स्पीड होता है। शोषण हो रहा जी, जी डबल इंजन की सरकार की स्पीड तो मापनी पड़ेगी। मोदी प्रॉमिस और बीएसपी सरकार 10 साल 10 साल 2 डबल इंजन की सरकार चमका देंगे। ये भरपाई सपा बीएसपी गोबर को सोना बना देंगे। 14 में लड़ चुकी है, बोलने दीजिए, इसकी भरपाई ये दे पाएंगे। देख लो इतिहास में चले गए, सप्ता साथ सप्ता बताने को कुछ नहीं है, इसी डिबेट में निकल के आ गया। हमारा एक सवाल है जी के पास, बताने को नथी। ठीक है मनोज जी, मनोज जी एक सेकंड, मनोज यादव जी थोड़ा सुन लीजिए भाई, मनोज तिवारी जी की बात सुन लीजिए, ऐसे ऐसे मत कीजिए, तो काम नहीं आएगा। स्वास्थ्य केंद्र में इतनी व्यवस्थाएं आम जनमानस को आज जी, बोलिए बोलिए आप सुनिए, स्वास्थ्य विभाग में आम जनमानस का सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान में 6 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष, अच्छा 13,221 लोगों को गोरखपुर में नहीं मिला था जा चुका है। और सुन लीजिए अवस्थी में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं मिला था, 50% से 90% में भी नहीं मिला था, वही दवा आप राजस्थान में भी नहीं रही, अखिलेश नहीं कर पाए, कहां लागू किए हो भैया बता दो, तो ये सारी योजनाएं कहां लागू हुई है 2 साल में, जो आप 10-15 साल में नहीं कर पाए सत्ता में, तो काहे मध्य प्रदेश हार गए, नहीं कर पाए, हार क्यों गए एमपी, और मायावती की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों हार गए, उनके साजिश लग रहे हैं, योगी जी क्यों हार गए, मनोज जी कर पाए, योगी जी क्यों, सचिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सचिन जी बोलिए, आप एक एक करके बोलिए मनोज जी। हाँ सचिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। 141 किलोमीटर लंबाई की बनाई उन्होंने, कहाँ पे सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे, हाँ देखिए सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे नया एक्सप्रेसवे आ गया, देख लीजिए सचिन रावत जी आप बोलिए, जाएंगे ठीक है ठीक है, निर्माण कार्य चलना जाएंगे। अच्छा अच्छा मनोज जी अगर हो गया तो मैं बोल लूँ, गाय पे, अरे गाय और राम मंदिर की बात आप मत करिए, पाला करिए, दुर्घटनाएं हो रही है, गाय पाला कहीं आपने समावेश नहीं कर पाया, गाय पाला करिए, गाय पे राम सालों में पाला भी जाता है, आज कहीं रोड पे चले जाइए गाय नहीं मिलेगी, गाय ही गाय मिलेगी, गाय ही गाय गौशालाएं बनाई गई उसकी उचित व्यवस्था, मनोज जी जनता को, अरे भाई जनता पे आइए आप, तब तक गाय पर लटके रहेंगे भाई, आप लोग सारी गाय सेंट्रिक कर दे रहे हैं डिबेट। सचिन जी आप बोलिए, इस माई को गाय पालिएगा, परेशान मत होइएगा, हम आपको गाय पालने वाले ही स्थिति तक पहुंचाएंगे, क्या करें, हमारा तो काम ही है गाय से जुड़ा हुआ राजीव जी। नहीं नहीं ठीक है, तो और भी जरूरी मुद्दे हैं भाई, सब पे बात कर लीजिए, सचिन रावत जी बोलिए, आपको तो प्राथमिकता देनी चाहिए, गौ वंशज ने गौ पालक कहो भैया, हम कृष्ण वंशज, सचिन भाई बोलिए बोलिए, किस पे, अच्छा बताइए मेरे इतने सवाल, स्मार्ट सिटी पे तिवारी जी से पूछे कौन सा शहर बन गया स्मार्ट, 100 में से 1 बता दे। सचिन भाई आपको आवाज नहीं मिल रही क्या, बोलिए बोलिए भाई, आप कुछ हाथ उठा रहे थे, कुछ पूछना था आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो 5 साल में देश से जो वादे और दावे किए थे, जी 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 राजीव जी, 5 साल में इन्होंने जितने भी काम किए हो उसका डाटा जनता के सामने रखें, इन्होंने कितने नौजवानों को रोजगार दिया, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, पहली बार ऐसा हुआ राजीव जी, 45 साल में एनएसओ की रिपोर्ट आई कि बेरोजगारी की दर बढ़कर के 7.5 हो गई, और जहां तक किसानों की जो समस्या है वो आपके सामने मैंने बताई, जहां तक मनोज तिवारी जी ने एक बात कही है कि सबका साथ सबका विकास, मेरा तो यही मानना है कि सबका साथ और भाजपा नेताओं का विकास, इनके जितने नेता हैं अगर निकालेंगे लिस्ट, आय से ज्यादा संपत्ति निकलेगी,
जब नोटबंदी हुई भाई सचिन भाई अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी के मामले इस समय बहुत चल रहे हैं, जैसा कि इनकम 16 महीने में 16,000 गुनी हो गई। पहले तो इनको ये जवाब देने चाहिए कि क्या करिश्मा है मोदी जी में कि अपने सूट बूट के मित्रों को इतने ज्यादा प्रॉफिट करा देते, ना ज्यादा लाभ दे करके एयरपोर्ट दे करके पहले प्रधानमंत्री है क्या जो सूट बूट पहनते हैं, आप लोगों को इसमें क्यों जलन होती है भाई? पता नहीं कितने और वो जो छोटे मोदी जी उनके भाई हैं, अब उनको ये लोग बेल वाली बात कर रहे हैं। नहीं हमें जलन नहीं है, हमें जलन नहीं है, हमें खुशी है कि ये जो सूट बूट वाले जिनके मित्र थे इसी वजह से प्रधानमंत्री जी इनको चंदा दे करके विदेश में भगाया है अपनी चौकीदारी में। तो आज चौकीदारी में जो देश में करोड़ों रुपए हजारों रुपए लेकर के जो विदेश भगाए जा रहे हैं इनके सूरबुट के मित्र, नहीं तो विदेश से उनको ले आने के अभी कार्यक्रम शुरू हो गया सचिन भाई, और हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो लोग हों जिन पर आप लोग राजनीति करते रहे, सवाल पूछते रहे, देश का भला भी उसी में है। मैं अब अपने आखिरी चरण में हूँ डिबेट के, और मनोज तिवारी जी मैं संक्षेप में आप लोगों से टिप्पणी चाहूंगा इस मुद्दे पर जिस पर आज हम बहस कर रहे थे। 10-10 15-15 सेकंड में आप लोग अपनी अपनी बात रख लीजिए। मनोज तिवारी जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, बस ये बता दीजिए कि ये जो जाति आधारित धर्म आधारित राजनीति है इससे मुक्ति कैसे मिलेगी चुनावों को और वोटर को? राजनीति करना अलग बात है, ये कुतर्क होता है, लेकिन ये मेरे एक राय है, पर्सनल राय है कि अनुभव के आधार पे योग्यता का संचय होता है। इस बात को आप मान लीजिए, सूट बोले तो बोले, चल्ली बोलती है तो बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। 70 साल में इन्होंने क्या रोजगार दे दिया? मैं बता दूं 70 साल की बात में क्या जरूरत, मैं बता दूं जिस एम्स में सुषमा स्वराज अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, नवरत्न कंपनियां दिया, IIT दी, IIM दिया। मनोज तिवारी जी अगर आपके बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने दी, आपके मोदी जी ने नहीं दी। मोदी जी तो भी 5 साल झुनझुना बजा करके आए हैं, तो झुनझुना देश की जनता को थमा दिया है। ठीक है, 70 साल की बात। मनोज यादव जी आप चुप क्यों हो गए, आप भी बोलिए कुछ। अरे मनोज तिवारी जी आपके चौकीदार ने देश को लूटा है, रफेल में आप लोग जवाब नहीं दे पाए। देखिए एक अंतिम बात मैं यही कहूंगा, और हमारे ख्याल से बीजेपी के लोग जो सुन रहे होंगे वो जरूर इस पे सहमत होंगे। लगातार आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, जब किसान सवाल उठाता है कि हमारे गन्ने का दाम हमें नहीं मिल रहा है, हमें पेमेंट 14 दिन में नहीं मिल रहा है, तो बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ प्रवक्ता नेता हो ये कह देता है नहीं मिल रहा, हमने पेमेंट दे दिया। आप सोचिए क्या इस देश का अन्नदाता झूठ बोलता है? अगर अन्नदाता झूठ बोल रहा है तो फिर उसको आप उसके बारे में सोचिए, अगर अन्नदाता नहीं झूठ बोल रहा है वो अपना पेमेंट मांग रहा है तो फिर कौन झूठ बोल रहा है कि हमने पेमेंट दे दिया। इस तरह की बातें इस देश में हो रही हैं, अन्नदाता को नकारा जा रहा है, उसके आंदोलन को दबाया जा रहा है, जो अपना दिन रात मेहनत करके लोगों का पेट भरता है उन लोगों पे अगर इस तरह का झूठा आरोप लगाया जाएगा कि अन्नदाता झूठ बोल रहा है। तमिलनाडु के किसानों के बारे में सोचिए, तमिलनाडु के निश्चित तौर पर अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर ये चुनौतियां खड़ी होंगी। और मैं किसी एक पार्टी की या दल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी दलों के सभी बड़े नेताओं को इस चुनौतियों की आहट को वक्त रहते समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि इससे मुक्ति कैसे मिले। शशांक श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। शशांक मैं चाहूंगा इस पूरी डिबेट को आप रैप अप करें। देखिए साफ तौर पे राजनीति की अगर बात करें वर्तमान परिवेश में राजीव जी, राजनीति जो है वो अलग दिशा में जा रही है। साफ तौर पे जाति धर्म और मजहब के नाम पर जो राजनीति हो रही है ये गलत है। वर्तमान परिवेश में जो राजनीति की डिमांड है, जो जनता की डिमांड है, किसी को किसी व्यक्तिगत पार्टी किससे मतलब नहीं, जनता को किसी से मतलब नहीं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी पूरी हो जानी चाहिए। सड़क बिजली पानी विकास की सबसे बड़ा प्रतिबिंब है जिसको लेकर के लोग आते हैं। साफ तौर पे 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव में अगर जातिगत आरक्षण, जाति की बात होगी, धर्म की बात होगी, मजहब की बात होगी, तो उससे किसी आम आदमी को नुकसान ही होगा, आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं होगा। रोजगार की बात हो,
व्यापार की बात हो, विकास की बात होगी, तभी देश अग्रसर होगा, प्रगति के पद पे बढ़ेगा। और जो इन सब बातों को ध्यान रखेगा वही देश में अपना परचम लहराएगा। सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता से जुड़े बातें होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए राजीव जी, क्योंकि लोकतंत्र जो हमारा विषय है, लोकतंत्र में जनता को वो अधिकार जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। निश्चित तौर पर मनोज तिवारी जी, मनोज यादव जी और सचिन रावत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारी उम्मीद यही है कि लोकतंत्र के इस मंच पर हम जो बातें करते हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जो कोशिश है एक समाज की, बुद्धिजीवियों की, उस पर आगे बढ़े। और हम तो यही कहेंगे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत से बना लेना, जो नफरत के घर टूटे हैं वो घर तो बना लो। नमस्कार। है मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, तो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप।